हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मिंत्रा का हॉल। और इस हॉल में मैंने परचेज की हैं ड्रेसेस एंड कॉर्सेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या परचेज किया है और इनमें से आपको क्या क्या पसंद आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जो फर्स्ट ड्रेस है वो है ये और इसका जो ब्रांड है वो है एथिना और इसमें मेरा साइज है M और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये रहा, ये जो ड्रेस है वो बहुत 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 प्यारी ड्रेस है और ये कुछ इस तरीके की दिखती है। और आगे की तरफ जो है आपको ऐसे कॉलर डिटेलिंग मिल जाएगी जो कि काफ़ी काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। इस तरीके का है ये आगे का पैटर्न इसका इस तरीके का। और इसका जो स्लीव्स आपको मिल जाएंगी ऐसे पफ स्लीव्स मिल जाएंगी और ऐसे नीचे जो है इस तरीके से वाइट में ऐसे यहाँ पे फैब्रिक लगा हुआ है इस तरीके से। तो स्लीव्स जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी दोनों स्लीव्स। और इसका जो प्रिंट है वो ऐसे पूरा फ्लावर प्रिंट बना हुआ है इस तरीके से पूरे ऑल ओवर ड्रेस में। इस तरीके से आपको पूरा ये आपको ऐसे ड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वेस्ट बैंड में इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रबर की डिटेलिंग मिल जाएगी और ओवरऑल नीचे जो है वो पूरा इस तरीके से आपको ये ड्रेस मिल जाएगी। और आगे की तरफ जो है वो आपको ऐसे ये पूरा बटन की ऐसे डिटेलिंग मिल जाएगी और यहाँ नीचे की तरफ जो है ये ऐसे आपको यहाँ पे ये खुला मिल जाएगा इस तरीके से। तो ओवरऑल जो इसका पूरा जो लुक है वो पहनने के बाद इतना खूबसूरत आता है, आप ट्राई ऑन पार्ट में देख लेंगे। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 800 या 900 इसका प्राइस मुझे पड़ा था। तो ओवरऑल इसका जो पैटर्न है और इसका जो फैब्रिक और इसका जो फ्लावर जो डिटेलिंग दी हुई है प्रिंट जो है वो काफ़ी सुंदर लगता है इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत 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 ज़्यादा प्यारी ड्रेस। तो इसको तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। ओके, तो जो सेकेंड ड्रेस है वो है ये और इसका जो ब्रांड है वो है रोडस्टर। ये जो ड्रेस है वो रोडस्टर ब्रांड से है और ये ड्रेस जो है वो स्वेटशर्ट ड्रेस है और ये जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो कलर है वो है इस तरीके का ग्रीन कलर और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको इसमें फुल स्लीव्स मिल जाएंगे इस तरीके से और ये जो है इधर से इस तरीके से। और इसका शोल्डर है जो है आपको थोड़ा सा ड्रॉप शोल्डर मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा बैगी फिट इसका आएगा। और ओवरऑल जो पूरा जो ड्रेस है वो पूरा प्लेन में है इस तरीके से और आगे की तरफ आपको इस तरीके से इसमें पॉकेट दिख जाएंगे इस तरीके से और नीचे की तरफ आपको ऐसे ये डिटेलिंग मिल जाएगी इस तरीके से और पीछे भी आपको पूरा ऐसे प्लेन मिलेगा। और इसका जो फैब्रिक का मटेरियल है वो काफ़ी थिक है तो इसको आप समर में नहीं पहन सकते, इसको आप ठंड विंटर्स में पहन सकते हैं क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी थिक है और मटेरियल की जो क्वालिटी है वो लेकिन काफ़ी अच्छी है। और इसका जो प्राइस है यार 400 या 450 इसका प्राइस मुझे पड़ा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो इसका फैब्रिक क्वालिटी और हर एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और अगेन रोडस्टर ब्रांड के तो सारे ही मतलब कपड़े अच्छे ही होते हैं और इसमें मेरा साइज़ जो है मैंने ऑर्डर किया है M, तो इसमें मेरा साइज़ M है और काफ़ी मुझे थोड़ा सा लूज फिटेड इसका जो फिट है वो मुझे आ रहा है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और समर में तो आप नहीं पहन सकते लेकिन विंटर के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी। ओके, तो जो थर्ड आइटम है वो है एक कॉर्ड सेट और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो कलर है वो है पाउडर ब्लू कलर और अगेन ये जो कॉर्ड सेट है ये समर के लिए नहीं, ये विंटर के लिए है। तो मैंने देखा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे रबर डिटेलिंग मिल जाएंगी और इसका जो पैंट जो है वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, पूरा प्लेन इसमें आपको मिलेगा। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इतना सॉफ्ट इसका फैब्रिक है और कहीं से ये जो फ्लीज है वो बिल्कुल निकल भी नहीं रहे हैं, तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो ब्रांड है इसका ऊपर का जो पार्ट आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, अगेन ये भी आपको पूरा प्लेन ही मिलेगा, कहीं कोई प्रिंट वगैरह नहीं है। इसका जो ब्रांड है वो है क्लॉथी और इसमें मेरा साइज है L। मैंने थोड़ा इसको एक साइज अप मंगाया ताकि थोड़ा सा बैगी फिट आए, तो इसमें साइज है मेरा L
और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ऐसे आपको राउंड नेक मिल जाएगा और स्लीव्स में भी आपको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे रबड़ मिल जाएगा ताकि ये ऐसे स्टिंच कर जाए आपके स्लीव्स को। तो इस तरीके का ओवरऑल इसका लुक आता है, आगे पीछे इसी तरीके से है और नीचे की तरफ भी आपको ऐसे रबड़ दिख जाएंगे इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है पूरा प्लेन, और इसका फैब्रिक जो है वो काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो इसका जो प्राइस वो मुझे पड़ा वो आई थिंक हाँ 900 इसका प्राइस मुझे पड़ा, 900 या 1000 इसका प्राइस मुझे पड़ा। तो प्राइस के हिसाब से तो मतलब थोड़ा सा तो प्राइस ही है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज इसका फैब्रिक और क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो उतना पे करेंगे आप तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो जो फोर्थ सेट है वो है ये, और ये जो है एक अगेन एक कॉर्ड सेट है, और ये अगेन ब्रांड रोडस्टर से है। इसका जो ब्रांड है वो है रोडस्टर, और इसमें मेरा साइज है एम, इसमें मेरा साइज है एम। और ये जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आगे की तरफ आपको ऐसे राउंड नेक मिल जाएगा और स्लीव्स जो है वो आपको कुछ इस तरीके से स्लीव्स में ऐसे स्ट्राइप दिख जाएंगे इस तरीके से, और फुल स्लीव्स आपको मिल जाएगा इस तरीके से, और नीचे की तरफ जो है आपको ऐसे प्लेन मिल जाएगा इस तरीके से। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन अगेन ये बहुत ज़्यादा क्रॉप्ड भी नहीं है। तो ओवरऑल इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और इसका जो फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन मटेरियल है। तो फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है इसकी। इस तरीके का आपको फ्रंट पार्ट इस तरीके से दिख जाएगा और बैक में भी ऐसे ही पूरा प्लेन मिल जाएगा, बस स्लीव्स में जो है आपको ऐसे ये स्ट्रिप वाली डिटेलिंग मिल जाएगी। और इसका जो ट्राउज़र आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये है इसका ट्राउज़र। आगे की तरफ ऐसे रबर डिटेलिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको ऐसे ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, और पॉकेट्स आपको दो पॉकेट्स इधर मिल जाएंगी साइड में, और दो पॉकेट्स जो हैं वो आपको ऐसे पीछे मिल जाएंगी इस तरीके से। और अगेन नीचे भी आपको ऐसे एक पॉकेट यहाँ पे दिख जाएगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रिप जो ऊपर के टॉप में लगी है वही स्ट्रिप आपको यहाँ पे इसमें ट्राउज़र में भी दिख जाएगी। और नीचे की तरफ जो है वो आपको इस तरीके से जॉगर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी रबर डिटेलिंग। तो ओवरऑल ये जो पैंट इसका जो लुक जो आता है वो काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये जो है ये पूरा जॉगर सेट आपको मिल जाएगा, इसका प्राइस मुझे आई थिंक पड़ा था 1000 इसका मुझे प्राइस पड़ा। तो प्राइस के हिसाब से तो ये काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद, आप ट्राई एंड पार्ट में देख लेंगे। और इसका फैब्रिक जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक जो इसका है मतलब समर के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा तो थिक मटेरियल है इसका, तो समर में तो शायद आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है इसमें। लेकिन ओवरऑल इसका जो लुक है, इसका जो फैब्रिक क्वालिटी वगैरह है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पीस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको रिसीव होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।